तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ रिव्यू जियो 5G हॉटस्पॉट का। इसमें आप देखेंगे कि कैसे जियो हाई 5G ये काम करता है और कैसा इसका बिल्ड क्वालिटी है। ये मैंने जियो स्टोर से खरीदा है और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 999, लगभग 1000 रुपीज़। ये मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और ये देखिए, इसमें ऊपर में आपको ये मैट प्लास्टिक का बना हुआ ये एक हॉटस्पॉट मिलता है और इसके अंदर ये बुकलेट्स है, वारंटी कार्ड्स है, सारे स्टेप्स है कि कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसको लेने के लिए आपको पहले जियो स्टोर में जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आपको ये मिलेगा। एंड अंदर में आप देखते हैं और क्या है, ये बैटरी, आपको बैटरी मिलेगी आपको आपको 2600 mAh की, जैसे इस डिस्क्रिप्शन में दिखाया हुआ है। एंड साथ में आपको मिलता है ये चार्जर जो अच्छी क्वालिटी का है, एंड यूएसबी केबल जिससे आप जियो हॉटस्पॉट को आप कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से भी। एंड इसमें स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है कि आप इससे हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं अप टू 31 डिवाइसेस तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इन ट्रू 4G स्पीड, मतलब कि आपको फुल मेगा फुल स्पीड मिलेगी जो 4G की ट्रू स्पीड है, आपको केबीपीएस से भी ज़्यादा स्पीड मिलेगी। एंड बैटरी है इसमें 26 mAh बैटरी है, सपोर्ट है इसमें, अंदर में एक मेमोरी कार्ड भी लग जाता है तो वो 32 GB का मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्ट करेगा। एंड इससे आप कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन से बातें भी कर सकते हैं, इसके इसमें HD वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। एंड वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड, मतलब आप अपने कार्ड से वायरलेस कोई भी फोटो वोटो देख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। एंड इसको आप देखते हैं खोल के कि इसमें क्या क्या है अंदर में स्पेसिफिकेशन। ये मेनली आपका यहाँ पे जियो सिम लगता है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है। इसमें आपको अच्छी क्वालिटी का है एंड मुझे जैसा दिख रहा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जियो 5 नाम से। ये लेटेस्ट है, पहले ये 2500 रुपीज का मिलता था लेकिन अभी कंपनी ने इसको 999 में लॉन्च किया, तो मुझे ये अच्छा लगा प्रोडक्ट। हॉटस्पॉट बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है एंड इससे मैंने मैक्सिमम 5 डिवाइस कनेक्ट करके देखे और मुझे अच्छी स्पीड मिल रही है। एंड आपको एक और बात बता दूं कि इसमें आपको जियो सिम अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपना जो पहले का सिम लिया हुआ वो भी लगा के, मैं जैसे इसमें पहले का सिम लगाकर यूज कर रहा हूँ, एंड इसमें आपको नॉर्मल पहले के ही डाटा चार्जेस वाले सारे प्लान भर सकते हैं, जैसे 149, 3999, ये सारे आप भर के इसको यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये पहले हम बैटरी को फुल चार्ज कर लेंगे एंड फिर उसके बाद आप इसको लगाएंगे और ये फिर ये दो बटन, ये ऑन बटन है एंड ये एक VPS, ये जो लिखा हुआ है ये हॉट पॉट, जैसे ही ऑन करते हैं तो क्रिएट करने के लिए ये VPS को 3 बार दबाते हैं तो ये आपका हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है। ये मैंने बटन दबाया थोड़ी देर, 1 से 2 सेकेंड, और ये आपके ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड कलर के में सारे लाइट फ्लैश होने लग गए कि हाँ आपके सारे लाइट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन बटन का लाइट है, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए बैटरी है, यहाँ पे सिग्नल शो करता है कि आपको कितना सिग्नल मिल रहा है, एंड ये ब्लू एंड ग्रीन कलर में इंडिकेट हो रहा है ये वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन हो गया है उसके लिए है। और ये आप 3 बार ऐसे प्रेस करेंगे VPS बटन को तो ये आपका हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इसको किसी भी मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू या अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं एंड फिर ये आपका स्टैंड बाई मोड में अपना चला जाता है, ये सारे लाइट्स अपने बंद हो जाते हैं और ये नॉर्मल ब्लिंक करता रहता है ये ग्रीन लाइट। और ये आप इसको जहाँ पे भी नेटवर्क अच्छा रहा है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए और फिर ये आपका हॉटस्पॉट बन जाता है। आप 10-15 दोस्त एक साथ आप चैट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा
यूज एंड जियो सस्ते में आपको अच्छी इंटरनेट सर्विस आप जियो से ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड दोस्तों लाइक करें एंड शेयर करें मेरे इस चैनल को, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।